अलवर एनीवे स्थित फर्स्ट स्टेप स्कूल के बाहर बालिकाओं के मानव श्रृंखला बनाकर महिला दिवस मनाया गया। महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इसी अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल पूनम ने बताया कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए यह महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा है। देश में जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन महिला दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाए, पुरुष वर्ग की मानसिकता बदली जाए और देश भर में होने वाले नारी शोषण रेप जैसे अपराधों को खत्म किया जाए, तब जाके कहीं इस देश का उद्धार हो पाएगा। सर, आज फर्स्ट स्टेप स्कूल की तरफ से छोटी छोटी बच्चियों की एक मानव श्रृंखला बनाई गई है जिसे बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए कि आज ही बच्चों को पता चले कि हम भी कुछ बन सकते हैं। हमने छोटे छोटे बच्चों को बताया है कि वो आर्मी में भी जा सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब लड़कियों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़के ये कर सकते हैं तो लड़कियाँ वो नहीं कर सकती है। हम बच्चों को आज ही अभी से यही इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप लड़की हो पर आप सब कुछ कर सकती हो। जो लड़का कर सकता है उससे आप चार कदम आगे जा सकते हो। और यही मानसिकता हमें देश की, हमारे समाज की बदलनी है कि अगर बच्चियाँ, हमें यह नहीं सोचना है कि लड़की है सिर्फ उसकी शादी करने के लिए उसे बड़ा करना है। हमें यह सोचना है कि हमारे बेटे से ज़्यादा हमारी बेटियाँ मजबूत बन सकती हैं। और अगर किसी भी समाज में महिला सशक्तिकरण है तो तभी उस समाज का उत्थान हो सकता है। अगर महिला दबी हुई है तो वो समाज कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नेहा खंडेलवाल है, फर्स्ट स्टेप स्कूल। थैंक यू सर। सर, आज जो हम आयोजन कर रहे हैं वो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए कर रहे हैं। कैसे कि आज आपको पता है कि जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरे पास हर तरह की रूपरेखा में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और हर एक फील्ड में वो आगे गई हैं। तो सिर्फ देश का सम्मान इस चीज़ से नहीं है कि आज का दिन बनाया जाए। देश का सम्मान उससे होगा जब आप नारी को पूजेंगे, जब नारी को नारी समझेंगे। आप ये नहीं कि आज दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लेडीज़ को दबाया जा रहा है, कहीं दहेज हत्या हो रही है। जब ये चीज़ें बंद होंगी ना तो देश का सम्मान होगा। इन चीज़ों से नहीं होगा कि वुमेंस डे बनाया आपने और देश का सम्मान हो रहा है। इन चीज़ों को बनाने से बेटर है कि आप उस चीज़ पर काम करें कि हम लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपना सारा काम कर पाएं। तो आज किस तरह की मानव ये इस तरह की श्रृंखला बनाई गई है क्या? सर, आज हमने लड़कियों से रिलेटेड ही वर्क किया है और सारी एक श्रृंखला बनाई है जिसमें हम जितने भी लोग सामने जा रहे हैं उनसे एक सिग्नेचर ले रहे हैं ताकि वो भी लड़कियों को आगे बढ़ाएं। और दूसरा, इस चीज़ से हमें ये लगता है कि बच्चियां जैसे जैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगी उनको भी पता लगेगा कि हम देश का भविष्य हैं। तो हम देश का भविष्य हैं तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जो जितने भी जेंट्स हैं उनको समझना होगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बिल्कुल ही बेकार है, वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हमें ये काम नहीं करना। और जो भी हमारी बच्चियाँ हैं उनको देवियों की तरह पूजना है, इन चीज़ों से दूर रखना है, दुष्कर्म, दहेज और ये जो चलता है इन सब से दूर रखना है।